मेहता का उल्टा चश्मा। क्लास व्हाट क्लासेस छोटी क्लासेस और उसी की वजह से हमारी सोनू बिटिया पूरी स्कूल में नंबर वन आई और हमारे बच्चे बेचारे सिर्फ ए प्लस से पास होके रह गए। सर कैसे हो सकता है? ले, क्या ये सच है? अरे चाचा जी ये खोटे है। देखा देखा अपना स्वार्थ साधने के लिए बिचारी एक मासूम भोली भाली बच्ची को इसने खोटे क्लासेस में डाल दिया। अपना स्वार्थ? अरे कौन सा स्वार्थ जेठालाल? नंबर वन का स्वार्थ, मेरी बेटी पूरी स्कूल में नंबर वन आनी चाहिए, ये स्वार्थ साधने के लिए तुमने बिचारी सोनू को खोटे क्लासेस में डाल दिया। तारक जेठा भाई को क्या हो गया है? जेठालाल? अरे जेठालाल लट्टा खड्डे, तू मुझे सिर्फ सबके सामने इतना बता कि तूने सोनू का ट्यूशन खोटे क्लासेस में करवाया है कि नहीं? खोटे? देखा देखा खुद निर्लज अपने मुंह से कबूल कर रहा है खोटे आहे। खोटे आहे मतलब हाँ, मैंने सोनू का ट्यूशन खोटे क्लासेस में करवाया है। जेठालाल हे खोटे आए मतलब हे झूठा है, ये झूठ है। 100 बार चिल्ला चिल्ला के तुम सच को झूठ कहोगे तो सच झूठ नहीं हो जाएगा, झूठ तो झूठ ही रहेगा। एक मिनट, क्या बोला मैं? सॉरी, सच तो सच ही रहेगा। हाँ हाँ, अरे थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। सच तो आखिर सच ही रहेगा। अरे लेकिन सच क्या है? सच यही है बापूजी कि भिड़े झूठ बोल रहे। देखो जेठालाल, तुम जो आत्माराम पर इल्जाम लगा रहे हो उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास में? सबूत है मेरी आंखें जिसके जरिए मैंने सोनू की फोटो खोटे क्लास के जहर खबर में देखी। सबूत है मेरी जबान जिसके जरिए मैंने खोटे क्लास के मालिक प्रोफेसर वी आर खोटे से सवाल पूछा कि क्या ये सच है कि सोनू ने आपके खोटे क्लास में पढ़ाई की है। सबूत है मेरे कान जिसके जरिए मैंने प्रोफेसर खोटे के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द सुना कि हाँ ये सच है कि सोनू ने हमारे खोटे क्लास में पढ़ाई की है। सबूत है मेरा नाक जिसके जरिए ये सब पता चलने के बाद मैंने बार बार अफसोस प्रकट किया ऐसे। और सबूत है भीड़े की जबान जिसके जरिए उसने प्रोफेसर खोटे से बात की। मैंने कब बात की? याद करो वो पल जब रिजल्ट मिलने के बाद हम सोसाइटी कंपाउंड में आए और ढोल के ताल पे खुशी खुशी नाच रहे थे, उस वक्त तुम्हें प्रोफेसर खोटे का फोन आया था और तुम भी बड़ी खुशी के साथ उनके साथ बात कर रहे थे। हेलो, अरे खोटे साहब, आपके आशीर्वाद से मेरी सोनू बिटिया पूरा स्कूल में नंबर वन आई है। थैंक यू। याद आया? हाँ हाँ, बोला खोटे साहब, बोला। अरे आ गया रिजल्ट, सोनू पूरे स्कूल में नंबर वन आई है। हाँ हाँ भाई, अरे नाच गाना हो रहा है भाई, और क्या। थैंक यू वेरी मच। आहो, अरे खोटे मतलब अपने रत्नागिरी का पड़ोसी खोटे, उसे मैंने बोला था कि हमारे कुलदेवी को प्रसाद चढ़ाना ताकि हमारी बेटी अच्छे नंबर से पास हो जाए, उसको मैं थैंक यू बोल रहा था फोन पर। एक और झूठ। अरे बंद करो ये झूठी कहानियां भिड़े। गोकुलधाम वासियों और प्रोफेसर खोटे ने मुझे चैलेंज किया है कि अगर तुम मुझे गलत साबित करोगे तो मैं तुमको 1 करोड़ रुपया देने को तैयार हूँ। 1 करोड़। कोई भी आदमी 1 करोड़ रुपया की चैलेंज ऐसे ही लगाता है?
बोलो बोलो। बोलो भिड़े, देखो ये सब बातें सुन के हमें भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन भिड़े एक बात बताओ, जेठालाल आखिर झूठ क्यों बोलेगा? जेठालाल कह रहा है उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, और खोटे ने कहा है कि वो 1 करोड़ रुपए देगा, तो मेरे ख्याल से अगर आग होगी तभी तो कुछ धुआं उठेगा ना भिड़े। सही बात है, वरना जेठा भाई इतना बड़ा इल्जाम थोड़ी ऐसे ही लगाएंगे। ओ बीड़ू, और तुझे इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। या ऑब्वियसली, अगर हमें पता होता तो हम भी गोली का एडमिशन वहीं कराते, तो गोली भी स्कूल में टॉप करता। बराबर है भाई, ये सब सुन के मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि ये 1 मिनट पोपटलाल, इससे पहले कि तुम बोलो मैं खुद बोलता हूं कि आज का यह सम्मान समारंभ यही कैंसल होता, 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 यही कैंसल होता। अरे अब जब तक मेरे ऊपर लगा हुआ दाग मैं नहीं मिटा देता, मुझे कोई भी सम्मान मंजूर नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मैंने चीटिंग की है, तो चलिए अभी जाते हैं खोटे क्लासेस में, सच और झूठ का फैसला हो जाएगा। अभी जाके क्या फायदा, अभी तो खोटे क्लासेस बंद होंगे ना। तो ठीक है, कल सुबह जाएंगे, कल सुबह ठीक 8:30 बजे हम सब लोग कंपाउंड में मिलेंगे और खोटे क्लासेस में जाएंगे। और कल सुबह मेरी बात सच निकली तो? अरे कैसे शक्य है, सच निकली तो? तो ठीक है, अगर सच निकली तो जैसा आप लोग बोलोगे वैसा ही मैं करूंगा। माधवी, सोनू, चला। जेठालाल, तेरी ये बात अगर गलत निकली ना तो। अरे बापूजी, बापूजी मेरी बात गलत नहीं है, मैं गया था खोटे क्लास में। क्या सोचा था और क्या हो गया? चलिए चलिए, टप्पू ये क्या हो गया, क्या सच में हमारे सर ने ऐसा किया होगा? नहीं, सोनू हमसे कभी कुछ नहीं छुपा दी, वो ऐसा नहीं कर सकती। पर वो जो तेरे पापा ने देखा, तेरे पापा थोड़ी ना झूठ बोलेंगे, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, दादाजी कहते कि जब हमें कोई चीज समझ में ना आए तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, वो सब ठीक कर देंगे। सोनू बिटिया को सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे A1 क्लासेस खोटे क्लासेस में ट्यूशन दिलवाया, और उसी की वजह से हमारी सोनू बिटिया पूरी स्कूल में नंबर 1 आई, और हमारे बच्चे सिर्फ A+ से पास होके रह गए। अगर हमें पता होता तो हम भी गोली का एडमिशन वहीं कराते, तो गोली भी स्कूल में टॉप करता। गोकुलधाम वासियों और प्रोफेसर खोटा ने मुझे चैलेंज किया कि अगर तुम मुझे गलत साबित करोगे तो मैं तुमको 1 करोड़ रुपया देने को तैयार हूं। 1 करोड़। क्या हुआ माधवी, वो दिया बुझ तो नहीं जाएगा ना? क्या अभी?
कुछ नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है जेठा भाई ने इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगाया। पता नहीं ये कोटे क्लासेस के बैनर पे सोनू का फोटो कहां से आया, जो उसने देख लिया, मिल गया मौका उसे, लगा दिया मुझ पर इल्जाम। मैं अभी जाके सबको सच बता के आती हूँ। सोनू काई गरज नहीं है। पर बाबा सोनू हम लोग जा रहे हैं कल कोटे क्लासेस में, वहां पे सबको पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। बोल रही है दया, नारियल के पेड़ पे करेला कैसे उग सकता है? नहीं उग सकता ना, ठीक वैसे ही हमारे भिड़े भाई नारियल के पेड़ जैसे हैं। जैसे नारियल का पेड़ कई सारे कामों में काम आता है, ठीक वैसे ही हमारे भिड़े भाई एक साथ कितने सारे काम करते हैं। देखिए वो सोसाइटी का सेक्रेटरी पद संभालते हैं, फिर भिड़े बहन को आचार पापड़ की डिलीवरी करने में मदद करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। टप्पू के पापा भिड़े भाई जो भी काम करते हैं सिद्धांत से करते हैं। तो जैसे नारियल के पेड़ पर करेला नहीं उग सकता, ठीक वैसे ही भिड़े भाई हमें धोखा नहीं दे सकते, वो ऐसा कड़वा काम कर ही नहीं सकते टप्पू के पापा। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे मैंने अपनी आंखों से वो खोटे क्लास की जहर खबर में सोनू की फोटो देखी है। वही तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कैसे हो सकता है। कल सुबह खोटे क्लास में जाते ही सब समझ में आ जाएगा, अभी सो जा चुपचाप। कैसे सो जाऊं, मेरी तो नींद ही उड़ गई है। सोनू बिटिया को सबसे बढ़िया सबसे अच्छे A1 क्लासेस खोटे क्लासेस में ट्यूशन दिलवाया। गोकुलधाम वासियों और प्रोफेसर खोटे ने मुझे चैलेंज किया है कि अगर तुम मुझे गलत साबित करोगे तो मैं तुमको 1 करोड़ रुपया देने को तैयार हूं। 1 करोड़। जब तक मेरे ऊपर लगा हुआ दाग नहीं मिटा देता मुझे कोई भी सम्मान मंजूर नहीं है। दादाजी मुझे नींद नहीं आ रही। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है बेटा। दादाजी दादाजी आपको क्या लगता है भिड़े अंकल ने सच में ऐसा किया होगा? पता नहीं, लेकिन मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि कल मेरा जेठिया झूठा निकले। ऐसा भी दादाजी पापा झूठ क्यों बोलेंगे? पता है मुझे बेटा, पर मैं चाहता हूँ कि जेठिया सच्चा हो तब भी झूठा निकले, वरना हमारी सोसाइटी की एकता टूट जाएगी, लोग एक दूसरे पे भरोसा करना छोड़ देंगे। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, लक्ष्मी की जरूरत जवानी के बाद पड़ती है, पर सरस्वती की जरूरत बचपन से पड़ती है, क्योंकि उससे समाज बनता है। और अगर एक शिक्षक गलत हो तो पूरा समाज गलत हो जाता है। लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चल सो जा, धीरे धीरे नौकार मंत्र का जाप कर नींद आ जाएगी। चल चल। हाँ दादा। सॉरी। क्या बात है तारा, अभी तक कपड़े भी नहीं बदले, चलिए सोना नहीं है? अंजलि भिड़े के बारे में सोच रहा था। तुम्हें क्या लगता है अंजलि, क्या भिड़े सचमुच ऐसा कर सकता है कि सोनू को पढ़ाई में नंबर 1 बनाने के लिए किसी दूसरी क्लासेस में पढ़ने के लिए भेज दे? इन माई ओपिनियन जमाना कॉम्पिटिशन का है। हर माँ बाप अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो इस वजह से ऐसा हो भी सकता है। पर दूसरी ओर मुझे लगता है कि भिड़े भाई बहुत सिद्धांतवादी इंसान है, वो ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। तारक व्हाट एन ओपिनियन अंजलि, व्हाट एन ओपिनियन। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है।
मेरे ख्याल से ऐसी राय सिर्फ बीवियां ही दे सकती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या एक्चुअली ऐसा हुआ होगा। तारक, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। कल सुबह आप सब मिलके खोटे क्लासेस जा ही रहे हैं ना, तब सब सच पता चल ही जाएगा। सच? ये सच भी है ना अंजलि, बिल्कुल ब्लड टेस्ट की तरह होता है। जब आदमी ब्लड टेस्ट कराता है तो हर आदमी को जल्दी होती है ये पता करने की कि क्या है क्या है क्या है, और मन में प्रार्थना ये भी करता है कि कुछ गड़बड़ ना हो। चलिए मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो कल, वरना सोसाइटी में दरार पड़ जाएगी। तारक, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। फिलहाल सोचने से कोई फायदा नहीं होगा, चलिए जल्दी सो जाइए वरना सुबह उठने में तकलीफ आप ही को होगी। और चलो और खोटे क्लास चलते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। चलो बैठ जाओ गाड़ी में। अरे भाई हम बैठ के क्या करेंगे, बाकी के लोग कहाँ? पर सबसे मेन भीड़ है वही नहीं आया अभी तक। अरे उसने तो कल 8:30 बजे बोला था और मैं तो सुबह 4 बजे का उठ गया। 4 बजे? सॉरी, इतना जल्दी क्यों उठा तू? और जैसे गाड़ी के इंजन में कचरा फंस जाए तो गाड़ी चलती नहीं है, ऐसे ही मेरे दिमाग में कचरा फंस जाए तो मेरा दिमाग भी चलता नहीं है। इसलिए जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चल जाता और मुझे चैन नहीं आएगा। हाँ वरी, सुबह 4 बजे से जाग रहा है और बार बार मुझे पूछता रहा कि ओए रोशन, भिड़े ने ऐसे क्यों किया? अबे मने सु मालूम, कल इसी टेंशन में हमारा फ्रिज भी खाली हो गया। क्या फ्रिज खाली हो गया? मतलब वो टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही थी ना, तो हंस, गोली और मैं बारी बारी फ्रिज में से कुछ ना कुछ खा रहे थे। सॉरी, आई एम लेट। चलो भाई चलो। भिड़े कहाँ है? अरे उसी का तो वेट कर रहे हैं। लो गिरे भाई आ गए, सब लोग आ गए। चलो भाई चलो, जल्दी से खोटे क्लास चलते और ये टेंशन खत्म करते। चाचा जी अभी जा नहीं सकते। क्यों? बारिश की वजह से? अरे भाई बरसात का मौसम है तो बारिश तो आएगी ना। नहीं नहीं, बरसात हो रही है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भिड़े अभी तक नहीं आया है? ये अभी तक नहीं आया, वो तो टाइम का बड़ा पक्का है। बिल्ली मास्टर, ओ बिल्ली मास्टर, भिड़े कमाल है। भिड़े माधवी बेटी सोनू कोई जवाब नहीं दे रहा है। कमाल है। जेठिया जा, जा रहा ऊपर जाके देख। जी बाबूजी। आया मेहता साहब। हाँ एक मिनट मेहता साहब, मैं भी चलता हूँ। ओए ओ मैं भी चलता हूँ। तो हाथी भाई हम यहाँ रुक के क्या करेंगे, चलिए हम भी चलते हैं। नहीं नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, आप जाइए। ठीक है अब्दुल, ये छाता संभालो। अरे ये क्या, यहाँ तो ताला है। सुबह सुबह घर पे ताला? मेहता साहब इसका तो एक ही मतलब निकलता है। क्या? यही कि भिड़ू घर में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भिड़े हम सबको धोखा देके भाग गया? दोस्तों सच्चाई क्या है ये जानने के लिए भिड़े के घर पहुंचे हम लोग और वहां लगा हुआ है ताला। भिड़े गायब है, जिसके सर पे शक हो अगर वो ही ना मिले तो आपका शक और पुख्ता हो जाता है, शक यकीन में बदल जाता है। आखिर भिड़े कहां गए? साथ में माधवी भाभी और सोनू भी नहीं है। ये तो ठीक ऐसा ही हुआ साहब जैसे किसी व्यक्ति के कुर्ते पे दाग लगा हुआ हो और उस दाग को वो नहीं मिटाए बल्कि कुर्ता ही गायब कर दे। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच भिड़े ने कोई ऐसा काम किया है कि उसे मुंह छुपाना पड़े? यकीन मानिए साहब, मुझे तो विश्वास नहीं होता। मुझे कोई ये कह दे कि कौवे सफेद होते हैं तो मैं शायद मान लूंगा, लेकिन मुझे कोई ये कहे कि भिड़े ने बेईमानी की है तो मैं नहीं मानूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इस वक्त भिड़े भी गायब हैं और साथ में माधवी भाभी और सोनू भी गायब है। कहां गए हैं ये लोग? भाई कोई भी गायब हो जाए गोकुल धाम से, आपके घरों से हंसी गायब नहीं होगी इस मूसलाधार बारिश में। आके लगाते रहिए, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।